नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों के साथ सड़क से सदन जा रहे हैं। आज पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल कर आप देखिए यहाँ पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है और यहाँ भूख हड़ताल का आगाज हो चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग भूख हड़ताल पे आज से बैठे? मैं रमेश प्रसाद यादव संरक्षण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ सीतामढ़ी से आया हूँ। इस भूख हड़ताल में हम शामिल है। हमारी जो मांग है जांच है, नियोजित शिक्षक को भी राजकर्मी का दर्जा मिले। सीतामढ़ी जिला प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष के पाठक का ये भी शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षक संघ रजिस्टर्ड संघ है। तो उनके कहने से हम रुकने वाले नहीं करेंगे, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संघर्ष हमको कुछ नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ पे हर जगह नियोजित शिक्षक दिखेंगे और लगातार नियोजित शिक्षकों का मामला है वो पढ़ता ही जा रहा है, लोग जुड़ते हैं। क्या कुछ दिक्कत आ रही है सुनते हैं? क्या कुछ मांगे हैं सर? क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? मांग हमारी यही है, सबसे पहले तो इस सरकार में जो व्यावहारिक दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है, उनमें सुधार हो। दूसरी मांग ये है कि नियोजित शिक्षकों के लिए बिना शर्त साक्षरता परीक्षा बिना लिए इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, साथ ही साथ इन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका मिले। तो सरकार ने कहा है कि 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन देना, वो हम लोगों को मान्य नहीं है। आखिर परीक्षा क्यों दे? बार बार कोई परीक्षा दे सकता है क्या? कोई भी आदमी जो 20 साल 25 साल सेवा में रह गया वो परीक्षा दे सकता है क्या? चूंकि उसको वो तो विभागीय काम से उलझ जाते हैं। इतने सारे कार्य हैं, उनको उलझुलू भी कार्य हम लोगों को दिए जाते हैं, सिर्फ शैक्षणिक कार्य नहीं दिए जाते हैं। तो उतने सारे कार्य को निपटाने के बाद 9 से 5 ड्यूटी करने के बाद उसके अलावा भी इस समय के अलावा भी हम लोगों से काम लिया जाता है। उसके बाद परीक्षा तैयारी करने का समय कहाँ मिलता है? विद्यार्थी तो हम लोग रहे नहीं, हम लोगों का सिलेबस सीमित है 1 to 5 या 1 to 8 तक। उसके अलावा आप बीपीएससी के सिलेबस पर परीक्षा यदि ली जाएगी तो संभव है कोई भी पास नहीं कर पाएगा। आप लोग सक्षमता परीक्षा नहीं, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, इसलिए नहीं देना कि हम लोग सक्षम खुद है। बहुत सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद अभी हम वर्तमान में कार्यरत हैं, तो फिर सक्षम तो हम लोग पहले हो चुके हैं। इतना उम्र बीत गया आप लोगों का, इतना उम्र बीत गया, अब परीक्षा ले रहे हैं, कैसा क्या क्या परीक्षा? हम लोग जिला प्राथमिक शिक्षक संघ या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बैठ करके हम लोग सरकार को आह्वान करते हैं कि आपका ये फरमान जो 6 से लेकर आज तक कार्यरत है, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 3 साल से, उसकी परीक्षा आपने जबकि अर्हता पूरा किया आपका, तब वो शिक्षक बने थे नियमावली के अनुसार, आज एकाएक उसको परीक्षा के लिए जो आप घसीटते हैं, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ हम लोगों का जो डिमांड है उसमें की सुधार करने का, जैसे कि 3 परीक्षा के बाद नहीं हटाने का कोई निर्णय नहीं था, अब ये 3 परीक्षा के बाद बोलते हैं या 5 परीक्षा के बाद हटा दिया जाएगा, वो गैर संवैधानिक और असंवैधानिक है, जिसको हम लोग तीव्र भर्त्सना और निंदा। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? नहीं मानेगा तो हम लोग यहाँ स्कूल विद्यालय बंद करेंगे, फिर रोड पर इसका करेंगे, सरकार का विरोध करते रहेंगे। अभी तो झांकी है, अभी पूरा खेल तो बाकी है। अच्छा तो देखिए ये तो अभी झांकी है, पूरा खेल बाकी है। नियोजित शिक्षकों का सीधा कहना है कि अब वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एक तरफ सरकार ने कहा है कि 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का मौका मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षक इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल मैडम स्थिर होता है और आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।